अब आप अमेरिका से मिले खास तोहफों की। पीएम मोदी इस बार अमेरिका दौरे से वापस लौटेंगे, अपने साथ सैकड़ों साल पुरानी बेशकीमती धरोहर भी साथ लेकर आएंगे। सालों पहले भारत की ऐतिहासिक पहचान की निशानी कई बहुमूल्य मूर्तियां चोरों ने अमेरिकियों को बेच दी थी। देवी देवताओं की सदियों पुरानी उन मूर्तियों को अमेरिका ने पीएम मोदी को सौंप दिया। इन्हीं मूर्तियों में से एक है जैन धर्म गुरु बाहुबली की। अफगानिस्तान से दोस्ती का तोहफा, कतर से 23 भारतीय कैदियों की रिहाई, स्विट्जरलैंड से ब्लैक मनी लाने का वादा, अमेरिका से मिला बाहुबली तोहफा। अमेरिका से पीएम नरेंद्र मोदी को देश के लिए एक बेशकीमती तोहफा मिला है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस गए। ब्लेयर हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस यानी उनके खास मेहमानों का अस्थायी निवास है। ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी के लिए रेपेट्रिएशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी यानी सांस्कृतिक कलाकृतियों की स्वदेश वापसी के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत अमेरिका ने भारत से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी बेशकीमती मूर्तियां, जिनको अमेरिका ले जाकर बेच दिया गया था, वापस की। इन कलाकृतियों में सबसे प्रमुख है बाहुबली की जैन मूर्ति। बाहुबली जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। लगातार खड़े होकर साधना करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए कायोत्सर्ग मुद्रा की मूर्ति यानी जिस अवस्था में खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। लौटाई गई मूर्तियों में भगवान गणेश की एक कांसे की मूर्ति भी है, जो करीब 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं वो मूर्तियां कर देती। मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्ष में दुनिया के कई देशों ने भारत से इस प्रकार का जो खजाना उनके यहां पहुंचा, तो उन सरकारों ने बड़ी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है कि ये चीजें उनके मूल स्थान पर कैसे पहुंचे। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका के स्टेट विजिट पर हैं। अमेरिका ने पीएम मोदी के इस दौरे को सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों को लौटाकर और खास बना दिया है। इनमें प्राचीन धार्मिक मूर्तियां, कांसे और टेराकोटा की कलाकृतियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कई मूर्तियां 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। जो लोग इस प्रकार के व्यापार में जुड़े हैं उनके लिए अरबों खरबों डॉलर का मसला हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये ऐतिहासिक विरासत। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इन मूर्तियों का चाहे जो मोल लगाए, लेकिन ये हमारे कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा है और इनका कोई मोल नहीं हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत को लौटाए गए 200 ऐतिहासिक मूर्तियों की कीमत करीब 660 करोड़ के आसपास हो सकती है। अमेरिकन गवर्नमेंट का बहुत सा आभार व्यक्त करता हूँ, भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौटाया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC। तो लगातार अमेरिका से भी हमारी खास कवरेज जारी, क्योंकि आज पीएम मोदी का बेहद अहम दिन होने वाला है। मुलाकात भी होनी है कुछ देर बाद ओबामा से और उसके बाद एक खास संधि भी।